हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आज मैं आपके लिए कर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़े। अगर वड़े बनाते समय आपके वड़े फट जाते हैं, ऑयली बनते हैं या फिर थोड़े सोगी बनते हैं, तो मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके आप साबूदाना वड़े बनाओ, आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। साथ में ही इन वड़ों को बनाते समय एक ट्विस्ट भी डालेंगे, जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स, आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो साबूदाना वड़े बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप साबूदाना। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। अब इन साबूदाना को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक कि जो इसका पानी है वॉश करने के बाद बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता। बस वॉश करते समय आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे वॉश करना है। तो करीबन 4-5 बार इसको वॉश करने के बाद अब जिस कप या कटोरी से हमने साबूदाना लिया है, उसी कप या कटोरी का 3/4 कप हमें लेना है पानी, या फिर सिंपल मेजरमेंट है पानी की, पानी इतना लेना है कि जो आपका साबूदाना है वो पूरी तरीके से डूब जाए, जो उसकी ऊपर की सरफेस है वो कवर हो जानी चाहिए बस। अगर ज़्यादा आप उस स्टेज पर पानी डाल दोगे तो भी जो आपके साबूदाना है वो बहुत ज़्यादा सोख होकर चिपचिपे बन जाएंगे, और अगर आपने कम डाला तो साबूदाना अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो पानी बहुत ध्यान से आपने इस स्टेज पे ही इसमें डालना है बस। अब इसके बाद इसको हम ढक कर कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। तो मैंने करीबन यहाँ 3-3.5 घंटे साबूदाना को रखा है, और जैसे आप देख भी रहे हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे साबूदाना फूल गया है, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने हैं। अब इसे आप खिचड़ी भी बना सकते हो, आपकी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इन साबूदाना से। तो बस अभी साबूदाना को मैंने एक बड़े बोल में निकाल लिया, ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करना अब ईजी हो जाए। अब इसके बाद इसमें हम एक ट्विस्ट डालेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिससे हमारे जो वड़े हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे जार, और इसके अंदर हम 1 कप डाल देंगे धनिया पत्ती, और साथ में 10-15 पुदीना की पत्ती डाल देंगे, और 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। मैंने यहाँ मूंगफलियों को हल्का सा सेक के उसका छिलका उतार कर यूज़ किया है। साथ में ही 3 हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लो, और साथ में ही 2 इंच के आसपास अदरक ऐड कर देंगे। अगर आप अदरक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय इसमें पानी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे वड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने ऐसे ही इसको बीच बीच में चम्मच से मिक्स करते हुए ही पीसना है। पीसने के बाद जो ये मिक्सचर है इसको हम डाल देंगे साबूदाना के अंदर, और साथ में इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। उनको हमें अच्छे से मैश करके डालना है, मैंने यहाँ कद्दूकस करके डाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का ये मैंने आलू लिया है। अब आलूओं को डालने के साथ में इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है सेंधा नमक, और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। साथ में 2 छोटी चम्मच डाल देंगे नींबू का रस। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो आप यहाँ जीरा भी डाल सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करके हम इस तरीके से डो जैसी फॉर्म में इस मिश्रण को ले आएंगे। अब इसके बाद अपने हाथों पर अच्छे से ऑयल लगाना है, क्योंकि साबूदाना का जो ये मिक्सचर है बहुत चिपचिपा होता है। आप ऐसे ही इसको रोल करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। हाथों पर ऑयल लगा के जब हम रोल करते हैं तो बहुत आराम से जो इसके वड़े हैं वो बन जाते हैं। बस अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, या फिर जिस भी साइज़ का आपने वड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें से पोर्शन ले लें, और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा रोल करेंगे, और हथेलियों से हल्का सा प्रेशर देके इसको पहले हम चपटा करेंगे। उसके बाद जो ये किनारे हैं इनको थोड़ा सा हम ईवन कर लेंगे, ज़्यादा फटे हुए किनारे होंगे तो जब ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये साबूदाना वड़े जो है बना लेंगे। अब वड़े बनाते समय फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत बड़े साइज़ के वड़े नहीं बनाने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े बनाओगे तो जब इसको हम फ्राई करते हैं तो कई बार वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। थोड़ा मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के वड़े बनाओगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो बस इसी तरीके से सारा जो ये डो है इसके हम वड़े बना लेंगे। अब वड़ों को बनाने के बाद इन्हें हमें फ्राई करना है, तो मैं तो इन्हें फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो वड़ों को फ्राई करने के लिए पहले हमें ऑयल को बिल्कुल अच्छा सा गर्म करना है। जब तेल हमारा बिल्कुल बढ़िया वाला गर्म हो जाए उसके बाद आँच को हम मीडियम और हाई के बीच में कर देंगे। बस अब एक एक करके इस तरीके से वड़े इसमें डाल देंगे। तो एक साथ बहुत सारे नहीं डालने, नहीं तो ये जो वड़े हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। थोड़े से कम डालोगे तो बढ़िया रहेगा, आराम से हैंडल करना ईजी रहेगा। तो इस तरीके से वड़ों को डालने के बाद अब इनको कम से कम 1-1.5 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये नीचे से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद चम्मच से हम बहुत हल्के हाथों से इनको पलट देंगे, क्योंकि वड़े काफ़ी सॉफ्ट होते हैं स्टेज पर।
सकते। तो बस दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आपने करीबन आधा मिनट या एक मिनट के गैप में इनको थोड़ा बहुत उलटते पलटते रहना है ताकि वड़े चारों तरफ से अच्छे से फ्राई भी हो जाए और जो वड़े हैं वो अंदर तक सिक भी जाएं। तो करीबन 3-4 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं वड़ों में बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। बस इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप किसी जाली वगैरह पर इसको रख दें ताकि वड़ों के ऊपर अच्छे से हवा लगे। इससे जो वड़े हैं वो सोगी नहीं होंगे और ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनी रहेंगी। तो बस इसी तरीके से बाकी के जो वड़े हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरा बैच फ्राई करने से पहले भी आपने ध्यान रखना है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपने अच्छा गर्म रखना है और जब वड़े आप डाल दो उसके बाद आँच को आप मीडियम और हाई के बीच में कर दें, उसके बाद ही आप वड़ों को फ्राई करें। तो बस ये जो दूसरा बैच है ये भी यहाँ पर फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो बस ये हमारे हरियाली साबूदाना वड़े बिल्कुल आ रहा है। मैंने यहाँ पर इनको पुदीना की चटनी के साथ सर्व किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बने, आपको देखने से भी अंदाज़ा लग गया होगा। और मैं तोड़ के भी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत अच्छे से ये पके हैं, ऊपर के लिए एकदम क्रिस्पी है। तो बहुत मज़े के बनते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, आप बना के देखना एक बार और बनाने के बाद कैसे लगे अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आपको ऐसी ही रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।